नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दोबारा से आज बात करने वाला हूँ प्रकाश स्टीलेज शेयर के बारे में। काफ़ी बड़ी लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है प्रकाश स्टीलेज की। कंपनी के Q4 नतीजे आउट हो चुके हैं एंड जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया है इस बार मार्च 2022 में 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। काफ़ी चौंकाने वाले प्रॉफिट कंपनी जनरेट करे, तो देख लेते हैं स्टॉक को अभी होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए और क्या बड़ा अपडेट निकल के आता है जून 2022 के लिए इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन और चार्ट। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना, क्योंकि बहुत बार प्रकाश स्टीलेज के बारे में मैंने बात करी है जब स्टॉक का प्राइस 2-2.5 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था। तो इस बात के लिए कमेंट भी करना और शेयर पक्का करना। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो प्रकाश स्टीलेज शेयर अभी 5.10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट स्टॉक पर 10% की हमें एक बड़ी रिटर्न देखने को मिलती है। साथ में अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने लास्ट कुछ महीनों में शानदार रिटर्न दिए, ठीक है। अगर आप 1 ईयर का चार्ट देखो तो 410% का गेन दिया है स्टॉक ने, ठीक है। और अगर आपको याद होगा इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बात कर रखी है, जैसे आपको नहीं पता आपको दिखला दूँ, ये देख सकते हैं ना मार्च 2022 में कंपनी के नंबर दिखाता हूँ पहले आपको, फिर बात करेंगे कि स्टॉक में आगे क्या करना। देखो सेल्स कंपनी की 16 करोड़ की है लेकिन कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है मात्र 2 करोड़ का है, लेकिन जो कंपनी को नेट इनकम आती है अदर इनकम से आप देख सकते हो कंपनी ने 124 करोड़ इनकम करी है मार्च 2022 में एंड जो नेट प्रॉफिट कंपनी का बनता है 123 करोड़ का बनता है। और आपको याद होगा मार्च 2021 में सेम कंपनी ने जब 52 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, मैंने इसका वीडियो बनाई थी। मार्च 2021 में स्टॉक का प्राइस कितना था आपके सामने, ऑलमोस्ट 1 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो एक साल पहले स्टॉक का 1 रुपये था, तब मैंने वीडियो बनाई थी कि स्टॉक अच्छा लगता है। स्टॉक वहां से कहां तक गया था आप देख सकते हो, 8 रुपये तक गया था और अभी स्टॉक बहुत ऊपर से टूटा है, अभी नीचे रेंज बना रहा है। अब स्टॉक में क्या कर रहा है इस रिजल्ट के आने के बाद, तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पुराना वीडियो दिखा देता हूं, देख सकते हो अगस्त 11 2021 का वीडियो है, उस समय स्टॉक का प्राइस 1.90 रुपये था। बल्कि मैंने मार्च अप्रैल और जून में वीडियो बनाया था, ठीक है। ये तो थोड़ा लेट आपको दिख रहा प्राइस 2 रुपये, और अभी जो प्राइस सेट करा मैंने आपको बतला दिया कि स्टॉक में 8 रुपये तक गया था और अभी जो प्राइस सेट कर रहा है ऑलमोस्ट 5 रुपये तक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो पैसा उसने मल्टीप्लाई हमारा करके दिया, तो पैसा तो उसने देखो मल्टीप्लाई हमारा करके दिया। लेकिन अब आपके साथ शेयर करता हूँ शेयर पैटर्न। देखो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है स्टॉक की लगातार वो डिक्रीज हो रही है, तो ये भी मैं आपको अलर्ट करना कर देना चाहता हूँ। 48% से 33% की इनकी होल्डिंग हो चुकी है, मतलब प्रमोटर्स लगातार अपना माल स्टॉक में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो प्रमोटर्स लगातार अपना माल स्टॉक में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट तो कंपनी के ठीक आ रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं अदर इनकम से, लेकिन माल क्यों बेच रहे हैं प्रमोटर्स, ये भी आपको सोचना है, ठीक है। तो जब भी कोई डिसीजन मेक करो ना, सोच समझ के सब कुछ देखने के बाद किया करो, ठीक है। तो यहाँ प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ पर अलर्ट हो जाना है। अलर्ट का मतलब होता है कि आपको इस स्टॉक को अगर बाय करोगे तो सोच समझ के बाय करना और पूरे फोकस के साथ स्टॉक के प्राइस को ऑब्जर्व करना है। होता क्या है, हम बाय तो कर लेते हैं लेकिन उसके प्राइस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आपको प्राइस को लगातार अपनी वॉच इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। रीजन उसका क्या है, यहाँ प्रमोटर्स लगातार अपना माल बेच रहे हैं, ठीक है। प्राइस जो ऊपर गया प्रमोटर्स अपना माल हल्का किया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्राइस ऊपर गया देखो यहाँ पर, और माल प्रमोटर्स ने बेचा। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ बाय करे, देखो जिनके पास स्टॉक है वो तो भाई होल्ड करो पहली बात। अब नया बाय करने से पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट तो अप हुआ है, नो डाउट अप हुआ है, लेकिन प्रमोटर्स ने माल क्यों बेचा, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना और हाँ SL के साथ इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप बाय कर रहे हो तो मैं यही बोलूंगा 4.40 रुपये का SL लगा लेना बस, ठीक है। मैं यही बोलने वाला हूँ, बाय कर रहे हो स्पेनिश स्टॉक को तो 4.40 रुपये का SL लगाना। उसका रीजन क्या है, प्रमोटर्स ने माल यहाँ पर बेचा है, तो अगर ये स्टॉक का प्राइस 4.40 रुपये नीचे जाता है ना तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लीज SL लगाना, फिर स्टॉक आपको दोबारा 2 रुपये के प्राइस से भी मिल सकता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पर SL लगाना है। रीजन क्यों SL लगाना है, प्रमोटर्स माल बेच रहे हैं इसलिए लगाना है, ठीक है। अगर प्रमोटर्स माल नहीं बेचते ना तो मैं बोलता नहीं आपको SL लगाने के लिए, आप आराम से स्टॉक को कैरी करो, लेकिन यहाँ प्रमोटर्स माल बेच रहे तो हमें संकेत मिल रहे हैं कि प्रमोटर्स कुछ काला कर रहे हैं, मतलब
मतलब दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आपको वहाँ पर एसएल का यूज करना है, ठीक है। और देखो यहाँ एनएससी में 17 लाख शेयर ट्रेड किए गए थे, 8 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 48% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, राइट। तो यह है प्रकाश स्टील्स के बारे में मेरा एकदम रियल व्यू, ठीक है ना। आपको कह रहा हूँ बाय करो, ना बोल रहा हूँ सेल करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, बाकी वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तकले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।